So we will be continuing exercise 10.3 and question number 16. लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने. सबसे पहले अगर हम इधर एलसीएम ले लें तो हो जाएगा साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा इंटू साइन थीटा, और अपॉन में मौजूद है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो अगर आप मैचिंग करें तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, जो कि बराबर होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के. और अगर मैचिंग करें तो अल्फा से मैच हो रहा है टू थीटा और बीटा से मैच हो रहा है थीटा. ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, और अपॉन में हमारे पास मौजूद है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो ऊपर सिर्फ बचेगा साइन थीटा और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा. तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा जनाब, सिर्फ बचेगा वन अपॉन कॉस, और वन अपॉन कॉस आप सबको मालूम है कि ये बराबर होता है सेक थीटा के. सवाल प्रूफ कर दिया मैंने, कोई मसला बेटा इसमें? बात समझ में आ गई? इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, कोई चेंजिंग नहीं है उसके अंदर. बहुत ही आसान सवाल है. आप देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा सवाल पिछला ही कॉपी कर लिया है, बस यहाँ पर 3 है. और हमें जो प्रूफ करना है वो इसको प्रूफ करना है गालिबन शायद 2 के बराबर. सेम मेथड से सॉल्व होगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा. अब जब मैं 3 थीटा में से थीटा निकालूंगा, ये बचेगा साइन 2 थीटा, और अपॉन में लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा. और जनाब यहाँ पर साइन 2 थीटा की अब लग जाएगी आइडेंटिटी, क्योंकि सबको मालूम है ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि लिखा जाएगा ऊपर, और अपॉन में लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा. तो जनाब ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल, सिर्फ बचेगा 2. तो प्रूफ कर दिया हमने. क्लियर है जनाब? नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स 4 साइन थीटा कॉस 3/2 थीटा कॉस 5/2 थीटा. तो आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड ओके. राइट हैंड साइड हमने लिए जनाब यहाँ पर. अब इस पार्ट को गौर से देखें तो ये बन रहा है कॉस के 2 डिफरेंट एंगल्स हैं और प्रोडक्ट फॉर्म में है. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा का, जो कि होता है हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा. वाजे रहे अल्फा जो है वो 3/2 थीटा और बीटा जो है वो 5/2 है. तो मैंने कॉपी किया 4 साइन थीटा, और उसके बाद मैंने
कॉस 3/2 थीटा और 5/2 थीटा पे लगा दिया फॉर्मूला, तो ये जाएगा 3/2 थीटा + 5/2 थीटा प्लस कॉस 3/2 थीटा माइनस 5/2 थीटा। तो जनाब ये कैंसिल होगा, 2 1 2 2 2 2, तो ये बच जाएगा 2 sin थीटा। इसको एलसीएम लेके ऐड करें तो 3 + 5 हो जाएगा 8, 8/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 थीटा। यहाँ पर करेंगे 3 - 5 तो -2, -2/2 करेंगे तो सिर्फ -θ बच जाएगा। अच्छा जनाब, कॉस का एंगल अगर माइनस का है तो इस माइनस को हम ख़त्म कर देते हैं, प्रॉपर्टी होती है। तो जनाब ये बचेगा 2 sin θ (cos 4θ)(cos θ)। अब ये 2 sin θ दोनों से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस 4θ से भी होगा और साइन थीटा से भी होगा। तो अगर आप इसको और से देखें तो 2 sin θ (cos θ) होती है sin 2θ की आइडेंटिटी, और अगर इसको देखें तो यहाँ पर साइन और कॉस के दो डिफरेंट एंगल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट फॉर्म। जबकि जो हमें आंसर लेकर आना है वो लेकर आना है सम फॉर्म में, तो इसका मतलब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट टू सम वाला। तो मैं ये सारे फॉर्मूले यहाँ मेंशन करूँगा कि जनाब 2 sin θ (cos θ) बराबर होता है sin 2θ के, और जनाब 2 sin α(cos β) बराबर होता है sin α + β + sin α - β। तो जनाब ये जो ये वाला फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये लगेगा इसके ऊपर। तो आप वो देख सकते हैं कि अल्फा की जगह पर मैं थीटा और बीटा की जगह पर 4θ लिखूंगा, तो ये हो जाएगा sin θ + 4θ + sin θ - 4θ, और ये हो चुका है sin 2θ। तो जनाब ये हो जाएगा sin 5θ, हो जाएगा sin -3θ, और ये हो जाएगा sin 2θ। जिस तरीके से कॉस का माइनस ख़त्म हो जाता है लेकिन साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3θ के साथ जो माइनस है ये बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे sin 5θ - sin 3θ + sin 2θ। ऑब्वियसली बन गया लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। तकरीबन सिमिलर सवाल है, जनाब यहाँ पर भी राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे हम। अब आप गौर से देखें इसको, तो दो कॉस डिफरेंट एंगल वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो हमें प्रूव करना है वो सम की फॉर्म में है। तो अगर ये सम की फॉर्म में है तो इसका मतलब हमें प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला लगाना है। तो जनाब हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला cos α (cos β) का, तो क्या होता है जनाब ½ cos α + β + cos α - β। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला लगाया जाएगा जनाब
तो वाजह रहे कि अल्फा जो है वो मैच कर रहा है 2 थीटा से, और बीटा जो है वो मैच कर रहा है 4 थीटा से। तो पहले जो 4 cos थीटा लिखा था वो तो कॉपी हो गया एज इट इज। उसके बाद आ गया जनाब हाफ, फिर ये आ गया cos अल्फा प्लस बीटा, और फिर ये आ गया cos अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है जनाब यहाँ तक? तो जनाब अगर कैंसिलेशन करें तो ये हो जाएगा 2 1 जा और 2 2 जा, तो ये कॉपी हो जाएगा 2 cos थीटा, और ब्रैकेट में बचेगा cos 6 थीटा, और फिर ये हो जाएगा cos माइनस का 2 थीटा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि cos का जो माइनस है वो ख़त्म हो जाता है और साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है। तो जनाब अब ये 2 cos थीटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जनाब, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है 2 cos अल्फा cos बीटा का। इस फॉर्मूले में दोनों तरफ देखें, पहले जो लगेगा उस पे लगेगा जनाब cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा थीटा और 6 थीटा है। और इसके अंदर जब लगेगा तो ये लगेगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि इसमें जो एंगल्स हैं वो थीटा और 2 थीटा हैं। तो ये बन जाएगा cos 7 थीटा, ये बन जाएगा cos -5 थीटा, ये बन जाएगा cos 3 थीटा, और ये बन जाएगा cos -थीटा। और जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि cos का नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, तो cos का नेगेटिव ख़त्म कर दीजिए, कॉस का एंगल अगर नेगेटिव में हो तो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप इसको सिर्फ अरेंज कर लीजिए और जनाब आपका आंसर तैयार है। क्या ये सवाल समझ में आ गया? क्लियर है जनाब? तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 10 हमने ख़त्म कर लिया है।